अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट शिजा खान और आपको वेलकम करती हूं आपके अपने फेवरेट शो देखो और जीतो में। और मेरे साथ है मेरे को होस्ट जी हाँ, मैं हूँ उमेर अरशद, आपको खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने शो देखो और जीतो में। जी हाँ, कोहिनूर टीवी लाया है आपके लिए एक मुनफरिद गेम शो जो कि आप अब घर बैठे ही इस गेम शो का हिस्सा बन सकते हैं, और खास करके वो लोग जिनके पास मोबाइल फोन है वो हमारे शो का हिस्सा बनेंगे। जी बिल्कुल, ऐसे ही है, उमेर के साथ इत्तेफाक करती हूँ। आप लोगों के माइंड में हमारे गेम को लेके बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात हमने पिछले काफी हमारे जितने भी शोज गुजरे हैं उनमें दिए कि ये हमारा शो क्या है, कैसे खेला जाता है, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले को मिलता भी क्या है और किस तरह से इनामात जीते जाएंगे, आपको इनामात मिलेंगे कैसे, या फिर हमारे शो में खुद शिरकत करनी पड़ेगी या किस तरह, ये सब कुछ उमेर हमने अपने ऑडियंस को बताया और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह सुना भी, लेकिन कुछ लोगों ने आज भी हमें ज्वाइन इन किया है, उनके लिए हम एक बार फिर से ओवरव्यू देंगे हमारे शो का और फिर से हम खेलेंगे आज एक और बार देखो और जीतो। जी हाँ बिल्कुल, ये गेम कैसे है, कैसे खेला जाता है और इसमें क्या इनामात होंगे, इसमें आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, ऐसे बहुत से सवालात आपके जहन में होंगे जिनके हम आपको जवाब देंगे अपने देखने वाले नाजरीन के लिए। इन सवालात के हम जवाब देंगे ताकि आपको ये गेम शो क्लियर हो सके। अब वो जरूरत नहीं है कि आपको सेट पर मौजूद होना आपके लिए लाजमी है और आपने किसी तरीके से पार्टिसिपेट करना है या कहीं शॉपिंग करनी है या कोई कुरंदाजी या किसी भी मैसेज का आपने शिकार नहीं होना। यह बिल्कुल फ्री एंड फेयर गेम है और इसके साथ सिर्फ और सिर्फ आपने करना यह है कोहिनूर टीवी देखते रहना है और गेम के साथ मुंसलिक रहना है, और आप इसी तरह आप हमारे साथ शामिल रहेंगे, मुख्तलिफ सेगमेंट्स होंगे, आप उस गेम में हिस्सा ले सकते हैं, मुख्तलिफ सेगमेंट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना साथ साथ अपना मोबाइल फोन अपने हाथ में जरूर रखिए क्योंकि मोबाइल फोन के जरिए ही आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे, पार्टिसिपेट कर सकेंगे और गेम में जितने भी मराहिल होंगे गेम शो के अंदर दौरान इसके डिफरेंट हम सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे, सवाल जवाब होंगे, फाइनल नंबर होगा और भी बहुत से सेगमेंट्स होंगे जिसके अंदर आपकी शमूलियत भी होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन के जरिए। जी, जिस तरह के मोबाइल फोन नंबर का जिक्र किया मेरे को होस्ट ने, तो मैं आपको बताती चलूं कि मोबाइल फोन नंबर रखने वाला हर पाकिस्तानी इस गेम में एंटर किस तरह हो सकता है। वो इस तरह कि हमारी एक गेम है जिसका नाम है फाइनल नंबर, जो हमारे पहले से व्यूवर्स फर्स्ट डे से हमारे साथ है उनको पता होगा, लेकिन जिन्होंने आज हमें ज्वाइन इन किया है उन्हें बताती चलूं कि फाइनल नंबर है क्या। फाइनल नंबर गेम में असल में ये बिल्कुल लक डिपेंडेंट गेम है, लक चलता है बिल्कुल, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता। पाकिस्तान में मौजूद हर इंसान जिसके पास मोबाइल फोन है वो जीत सकता है ये गेम। वो किस तरह, वो इस तरह के इसके तीन मरहले होंगे और तीन मरहलों में से पहला मरहला क्या होगा उमेर? जी हाँ बिल्कुल, इसके जैसा कि शिजा ने कहा तीन मराहल होंगे, तीन मराहल में ये फाइनल नंबर गेम कंप्लीट होगा। तीन मराहल के बारे में आपको मैं बताता चलूं, मोबाइल फोन के आखिरी चार डिजिट जो कि हैं मोबाइल फोन के किसी भी मोबाइल फोन नंबर के आखिरी चार डिजिट जो होंगे वो कंप्यूटराइज तरीके से हमारी टीवी स्क्रीन पर यहां पर सामने आएंगे और शफल होंगे, कंप्यूटराइज तरीके से वो शफल होंगे और उसके बाद एक दूसरा मरहला भी होगा, वो होगा एरिया कोड का। उसके हिसाब से उसके लिए 1 से 48 तक हमारे पास बॉक्सेस भी मौजूद हैं और उन बॉक्सेस में वो एरिया कोड्स भी मौजूद हैं जिनमें से हम एक एरिया कोड निकालेंगे जिसको मुंसलिक किया जाएगा आखिरी चार नंबर के साथ जो कि कंप्यूटराइज तरीके से निकाले जाएंगे। वो एरिया कोड आप भी निकाल सकते हैं। आप कैसे निकाल सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर एक नंबर होगा 03134368888। जी हाँ, ये है वो नंबर जिसके जरिए आप भी हमें एसएमएस कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका फेवरेट नंबर 1 से लेकर 48 तक हमारे पास बॉक्सेस मौजूद हैं, इनमें से आप अपनी मर्जी का नंबर भी हमें बता सकते हैं और आपकी मर्जी का दिया गया नंबर भी हम लाइव शो में खोलेंगे और उसमें से जो एरिया कोड निकलेगा उसको हम मुंसलिक करेंगे मोबाइल फोन के आखिरी चार डिजिट्स के साथ। जैसा कि मैंने पहले बताया वो चार डिजिट कंप्यूटराइज तरीके से निकाले जाएंगे। इस तरह ये दो मराहल कंप्लीट होंगे और उसके बाद रह जाएगा आखिरी मरहला, वो मरहला होगा कोड का। जी हाँ, कोड का, मोबाइल फोन कोड, वो कोड 03000321 03430333, कोई भी कोड वो हो सकता है, आप किसी भी सारिफ किसी भी मोबाइल फोन से किसी भी कोड से आपका ताल्लुक हो सकता है। तमाम मोबाइल फोन रखने वाले लोग जो के मोबाइल फोन रखते हैं वो इस गेम में शामिल हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप लोग इस गेम में शामिल हो जाएंगे
और इसी तरह वो नंबर किसी का भी निकल सकता है। और इस तरह जब वो नंबर कंप्लीट होगा, लाइव शो से आपको कॉल की जाएगी और आपको बताया जाएगा कोहिनूर टीवी के तवस्सुत से, और साथ ही साथ देखो और जीतो की जानिब से आपको जो इनाम मिलेगा उसके बारे में भी जिक्र किया जाएगा, आपसे थोड़ी गपशप भी की जाएगी। और एक और चीज भी मैं बताता चलूं कि जिनका आज फाइनल नंबर निकलेगा उनके लिए गेम यहां पर ही खत्म नहीं हो जाएगी। जी हाँ, उनके लिए गेम का एक और मरहला भी होगा, वो होगा आने वाले वक्त में, क्योंकि इसमें एक मरहला ये भी है, वो है कुरंदाजी का मरहला। महीने के आखिर में डेली बेसिस पे जो फाइनल नंबर्स निकलते हैं उनकी एक कुरंदाजी होगी। आज जीतने वाले को भी गिफ्ट मिलेगा, कोई भी गिफ्ट हो सकता है, हमारे पास बहुत से स्पॉन्सर्स मौजूद हैं, उनकी जानिब से आपको कोई भी गिफ्ट मिल सकता है, लेकिन महीने के आखिर में भी एक गिफ्ट आपको हमारे स्पॉन्सर्स की जानिब से मिलेगा। कुरंदाजी के जरिए 30 नामों में से अगर वो आपका नंबर निकलता है तो वो गिफ्ट जरा बड़ा होगा, शानदार गिफ्ट होगा, उसके बारे में भी आपको आने वाले वक्त में जरूर बताया जाए। जी बिल्कुल, ये तो हो गई फाइनल नंबर गेम की बात। इसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ हमारी गेम में, हमारे इस शो में और जो सेगमेंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताती चलूं। तो दूसरा जो हमारे पास प्राइज है, वो हमारी जो गेम है वो ये है, सेल्फी प्राइज। जी सेल्फी प्राइज में आपको करना सिर्फ यह, बहुत ही ईजी गेम है, बहुत मजे की गेम है ये तो सबसे इजी और सबसे मजे का मुझे लगता है सेगमेंट, क्योंकि इसमें आपने अपनी एक सेल्फी लेनी होती है, किसके साथ, वो कोहिनूर टीवी की स्क्रीन के साथ आपने अपनी एक सेल्फी लेनी है और हमें भेज देनी है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, और उस पे आपने अपनी सेल्फी लेके भेजनी है कोहिनूर टीवी की स्क्रीन के साथ। हम लोग इतनी सेल्फीज लेते हैं डेली बेसिस पे लेकिन उसका हमें फायदा नहीं होता, लेकिन ये जो सेगमेंट है इसमें आप सेल्फी अगर लेंगे कोहिनूर टीवी की स्क्रीन के साथ तो आपको बिल्कुल फायदा होगा, बल्कि आप जीत सकते हैं बेशकीमत इनामात। और इसके बाद एक और सेगमेंट के बारे में भी आपको बताती चलूं, सेल्फी प्राइस की तो बात हो गई, और सेल्फी प्राइस की जो सेल्फी लेके हमें भेजते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उनकी हम सेल्फीज अपने शो के अंदर दिखाते भी हैं, आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कौन कौन जीता है इनाम, सेल्फी प्राइस का क्या इनाम मिला किसको। और उसके बाद एक और गेम है। जी हाँ बिल्कुल, सेल्फी प्राइस जैसे कि शीजा ने कहा सेल्फी सेगमेंट होगा, उसमें आप इतनी सेल्फीज लेते हैं तो आपने करना यह है कि आपने हमारे साथ रहना है, टीवी के साथ मुंसरी रहना है, कोहिनूर टीवी के साथ आप जब सेल्फी लेकर भेजेंगे तो हम अपनी स्क्रीन पर आपकी सेल्फी जरूर दिखाएंगे, आप जिस तरह के आप हमारा टीवी शो देख रहे हैं इसी तरह आपको लोग देख सकेंगे और आपकी सेल्फी कोहिनूर टीवी की जानिब से दिखाई जाएगी हमारे दीगर नाजरीन को। जैसे कि इसके बाद सेल्फी के बाद एक और सेगमेंट भी होगा, वो होगा क्वेश्चन एंड आंसर का, ये भी डेली बेसिस पर एक सेगमेंट है जो कि हम शामिल करेंगे, अभी भी कुछ ही देर में हम ये सेगमेंट खेलेंगे, ये गेम आपके साथ खेली जाएगी और इसमें आपने करना ये होगा हमें उस सवाल का, आपसे सवालात पूछे जाएंगे, सवालात की चार ऑप्शंस भी आपको दी जाएंगी, सवाल की चार ऑप्शन में से आपने करना यह है कि जो सही जवाब होगा वो आपने हमें इस नंबर पर जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है इस पर आपने हमें वो सही जवाब इरसाल करना होगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं इसमें दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, एक और एक जो सबसे पहली चीज है उसमें यह है कि इसका सही क्राइटेरिया होना चाहिए, सही पैटर्न होना चाहिए। सही पैटर्न मतलब कि जो आपने हमें जवाब इरसाल करना है उसको बिल्कुल सही पैटर्न के थ्रू आपने हमें सेंड करना है। वो पैटर्न क्या है उसके बारे में आपको बताता चलूं, सबसे पहले आपने अपना नाम और दूसरे नंबर पे आपने अपना एड्रेस, ये आपने ऑलरेडी लिख कर रखना है ताकि जैसे ही सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हो, आपकी टीवी स्क्रीन पर आए और चार ऑप्शंस आपके पास आए तो आप उसके साथ सही जवाब मुंसलिक करके हमें इरसाल कर सके। तो दूसरी जो चीज है जो कि ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पास वक्त बहुत कम होगा। जी हाँ, वक्त होगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का। जी हाँ, 30 सेकंड का वक्त होगा जिसमें आपने हमें उस सवाल का सही जवाब देना है। तो इसी तरह सवालात और जवाब का सिलसिला भी होगा, ये गेम भी हम आपके साथ खेलेंगे, आपको चार ऑप्शंस दी जाएंगी, सवाल आपसे पूछा जाएगा और आज के दिन अभी कुछ ही देर में हम ये आपके साथ गेम खेलेंगे। जो नाज़रीन हमारे साथ मुंसलिक होंगे, टीवी देख रहे होंगे, उन्होंने करना ये अपने मोबाइल फोन अपने हाथ में रखिएगा और पहले से अपना नेट एक्टिवेट रखिएगा क्योंकि व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है 03134368888, ये है वो नंबर जिस पर आपने सवाल का सही जवाब इरसाल करना। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये सारी तो हो गई बात फाइनल नंबर और क्वेश्चन आंसर की, सेल्फी प्राइस की। इसके बाद हमारे पास मुस्तकबिल में हमारे शो में और भी काफी सेगमेंट्स आएंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट्री सेगमेंट है। डॉक्यूमेंट्री सेगमेंट में ये होगा कि हम आपको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे और
फाइव मिनट्स की हो सकती है, 10 मिनट्स की, और एंड पे हम आपसे उस डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर पूछेंगे जो, लेकिन उसमें ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे आपको, उसका आपको सही जवाब देना होगा, जो हमें जल्दी से जल्दी उसका आंसर देगा उसको मिलेगा प्राइज। लेकिन उसके बाद हमारे स्पॉन्सर्स की जानिब से हमारे पास बहुत से इनामात हैं, मतलब बहुत सी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है हमारे मतलब मुस्तकबिल अफराद के लिए, जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कॉलरशिप्स हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, वो साथ साथ काम भी कर रहे हैं और पढ़ना भी चाहते हैं, वो अपनी फ़ीस खुद दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी मौका है कि वो पार्टिसिपेट करें हमारे शो में, और उनको भी हमारे स्पॉन्सर्स की जानिब से मिल सकती है पूरे एक साल की स्कॉलरशिप। जो मजदूर अफराद है, बीमार अफराद है, उनका इलाज कराया जाएगा। स्पॉन्सर्स की बात आई है तो क्यों ना स्पॉन्सर्स का भी आप लोगों को एक बार बताया जाए। स्पॉन्सर्स हैं हमारे साथ जिन्होंने हमें इतने ज्यादा गिफ्ट दिए हैं जो हम आपको दे सकते हैं जी। 6B फूड इंडस्ट्रीज है हमारे पास, गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स, रिवाज यूके, लासानी फार्मा, ड्यू ब्यूटी क्रीम, टोयो नासिक, पेप्सी कोला इंटरनेशनल, 7 अप, वाइटल ग्रुप, AMB मोबाइल एसेसरीज, ये सब हमारे स्पॉन्सर्स हैं। इनके साथ हमारे और भी काफी स्पॉन्सर्स हैं जिनकी जानिब से हम आपको दे रहे हैं देखो और जीतो में ये शो देखने पर इनामात। जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि शिजा ने एक लिस्ट का जिक्र किया, इनके ताबुन से इनके तवस्सुल से आपको गिफ्ट्स दिए जाएंगे। जैसे इससे पहले शिजा ने बताया डॉक्यूमेंट्री सेगमेंट, वो भी एक सेगमेंट होगा, उसके बारे में आपको बताता चलूं। डॉक्यूमेंट्री सेगमेंट एक कुछ देर के लिए डॉक्यूमेंट्री टीवी पर प्ले की जाएगी, उसका वक्त 3 मिनट हो सकता है, 2 मिनट हो सकता है, लेकिन जिसने गौर से सुनी होगी देखी होगी वही उसका सही जवाब दे पाएगा, क्योंकि उसी डॉक्यूमेंट्री में से हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आपके पास वक्त बहुत कम होगा और उसमें आपने हमें सही जवाब इरसाल करना है। साथ ही साथ दूसरा जो पैकेज, वो भी एक सेगमेंट होगा जो कि खेला जाएगा, उस खेल में अगर स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हुए और वो स्टूडेंट जीते हैं तो उनके लिए हमारे स्पॉन्सर्स की जानिब से 1 साल की फीस पे की जाएगी। जी हाँ, 1 साल, पूरे 1 साल की फीस पे की जाएगी। चाहे आप स्कूल गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप तालिबे इल्म हैं, तो आप इस गेम में जरूर शमूलियत इख्तियार कीजिए, क्योंकि ये गेम आपके लिए होगा, स्टूडेंट्स के लिए खासकर ये बहुत एक सुनहरी मौका होगा ताकि आप हमारे साथ मुंसलिक रहें और 1 साल की फीस आपको हमारे स्पॉन्सर्स की जानिब से पे की जाएगी। साथ ही साथ आने वाले वक्त में और भी दीगर सेगमेंट्स हैं वो शामिल किए जाएंगे और भी बहुत सी गेम्स होंगी जिसमें आप हमारे साथ खेल सकते हैं और जीत सकते हैं बेशकीमत और बेशतर इनामात, जिनमें मोबाइल फोन हो सकता है, मोटर बाइक होगी, उम्रे का टिकट होगा, गिफ्ट वाउचर्स, गिफ्ट हैम्पर्स, मोबाइल एसेसरीज, और इस तरह एक काफी लंबी और तवील लिस्ट होगी जिसमें से आप इनामात हासिल कर सकेंगे। दूसरी जानिब बढ़ूं एक हम, साथ ही साथ आपको यह भी बताता चलूं कि एक और हमारे पास सेगमेंट होगा, वो होगा सोशल मैसेज के लिए। जी हाँ, सोशल मैसेज आप एक रिकॉर्ड करेंगे, कोई भी आप अच्छा सा मैसेज पूरे पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए, कोहिनूर टीवी के लिए, अपने इर्द गिर्द रहने वालों के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने शहर के लिए, किसी के लिए भी आप एक अच्छा सा मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं, हमें वो मैसेज आप इरसाल करेंगे, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर भी मौजूद होगा। जैसे ही वो नंबर आप हमारे पास, वो आपका मैसेज आएगा, उस मैसेज को हम 30 सेकंड के लिए ऑन एयर करेंगे। जी हाँ, 30 सेकंड के लिए पूरा पाकिस्तान आपका वो एक मैसेज, वो एक पैगाम पूरा पाकिस्तान सुनेगा, पूरा पाकिस्तान देखेगा। आप मुआशरे को लेते हुए किसी भी बात, कोई भी रिलेटेड आप एक अच्छी बात कर सकते हैं, आप अपना कोई भी सोशल मैसेज दे सकते हैं जो कि कोहिनूर टीवी आपको अपनी स्क्रीन देगा। जी हाँ, 30 सेकंड के लिए आपको कोहिनूर टीवी की जानिब से देखो जीतो शो में ही आपको वो स्क्रीन शेयर की जाएगी और आप उस मैसेज को पूरा पाकिस्तान देखेगा। इस तरह आपने ये करना है कि बहुत ही अच्छे से और छोटे से क्लिप, क्योंकि आपके पास 30 सेकंड का वक्त होगा, 30 सेकंड की स्क्रीन आपके पास होगी तो वो चलाई जाएगी, आपने इस सेगमेंट में भी जरूर हिस्सा लेना। जी बिल्कुल, ये तो हो गई हमारे सारे सेगमेंट्स की बात। इसके बाद ही, क्योंकि उमेर अब तो लोग बहुत ज्यादा आई थिंक अटेंटिव हो चुके होंगे हमारी गेम खेलने के लिए, इसमें शिरकत करने के लिए, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर के सेगमेंट की तरफ। मेरा ख्याल है तो कुछ सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला सवाल मैं आप लोगों से करने जा रही हूं, लेकिन 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 हमारे पास पहले सेल्फी सेगमेंट का, जो हमारे सेल्फियां आई हुई हैं लोगों ने हमारे कोहिनूर टीवी की स्क्रीन के साथ, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कोहिनूर टीवी के साथ लोगों ने सेल्फीज लेकर सेंड की हैं। इसी तरह आप भी हमें अपनी सेल्फीज सेंड करें जो कि पूरा पाकिस्तान देखेगा,
पूरे पाकिस्तान आपकी ये तस्वीर देखेगा। कोहिनूर टीवी के साथ आपने अपनी सेल्फी लेकर जरूर सेंड करनी है और इसी तरह आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं देखो और जीतो में। पूरे पाकिस्तान से शिजा काफी सेल्फीज आई। बिल्कुल ऐसे ही, और कल तो मैं देख रही थी कि मेरे साथ भी लोगों ने सेल्फियां ली हुई थी जब मैं टीवी पे बोल रही थी ना शो में, तो उसके दौरान भी, और मैं कह रही थी फहीम से कि भाई हम तो फेमस हो गए जी। तो इसी के साथ साथ बहुत खुशी होती है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इसी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते जाते हैं जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से करने जा रही हूं, पहले पाकिस्तानी डाक टिकट पर किस जीनियस के दस्तखत प्रिंट किए गए? पहले पाकिस्तानी डाक टिकट पर किस जीनियस के दस्तखत प्रिंट किए गए? जी आप लोगों के पास क्वेश्चन आ चुका है, इसके ऑप्शंस मैं आप लोगों को देने जा रही हूं। ऑप्शन ए कायदे आजम, ऑप्शन बी इलामा इकबाल, ऑप्शन सी लियाकत अली खान, या फिर ऑप्शन डी ख्वाजा नाजिमुद्दीन। जी हाँ, सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, चार ऑप्शंस भी आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आपने करना यह है जल्दी से जल्दी इसका सही जवाब हमें साल करना है। 30 सेकंड का वक्त आपका स्टार्ट हो चुका हुआ है और आपके पास वक्त बहुत कम है। सवाल आपके सामने है, सही पैटर्न को फॉलो करते हुए अपना नाम एड्रेस और फिर सही जवाब हमें इरसाल कीजिए। जी हाँ, वक्त बहुत कम है, जल्दी जल्दी कीजिए, सही जवाब हमें इरसाल कीजिए। चार ऑप्शंस आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं, इकबाल तीन, और वक्त खत्म हुआ जा दो, रहा है। एक, जी हाँ खत्म हो चुका जी, टाइम अप। और हमारी टीम हमें बता रही है कि किसने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। जी हाँ, 6B फूड इंडस्ट्रीज की जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। सही जवाब जिसका होगा उसको 6B फूड इंडस्ट्रीज की जानिब से गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। सही जवाब होने के साथ साथ सही पैटर्न जिन्होंने फॉलो किया होगा उन्हें ही हम इसमें शामिल करेंगे और उनका ही जवाब एक्सेप्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ सही जवाब का मैं बताता चलूं तो इस सवाल का सही जवाब था इलामा इकबाल। जी हाँ, इस सवाल का सही जवाब है इलामा इकबाल, जिसने हमें इसका सही जवाब दिया होगा उनको मिलेगा गिफ्ट हैम्पर 6B फूड इंडस्ट्रीज की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। इलामा इकबाल इस सवाल का सही जवाब है। जी बिल्कुल, और इस सवाल का जवाब हमें हमारी टीम बता रही है कि बहुत से लोगों ने अटेम्प्ट तो किया लेकिन काफी लोगों ने गलत जवाब दिया है, तो टीम हमारी फाइंड आउट कर रही है कि किसने सही जवाब दिया है सबसे कम टाइम में, या फिर चलो पूरे पूरे टाइम में, क्योंकि सारे तो हमारे पास गलत आंसर्स आए हैं जी। और जी हाँ बिल्कुल, इसी तरह बहुत से लोगों ने भी अटेम्प्ट की है, सही जवाब भी दिया है जी। और हमारे पास हमारे जो विनर हैं इस सवाल के वो आ गए, आसिफ हैं धक्कड़ से। जी हाँ, धक्कड़ से आसिफ, हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आसिफ हैं धक्कड़ से जिन्होंने सही जवाब दिया है और इसका सही जवाब है इलामा इकबाल, बहुत बहुत मुबारक हो आपको 6B फूड इंडस्ट्रीज की जानिब से। अच्छा, आसिफ ने ये किया कि आसिफ ने सही जवाब तो इरसाल किया है, साथ ही साथ उन्होंने पैटर्न को भी फॉलो किया है। उन्होंने सबसे पहले अपना नाम लिखा है, अपना एड्रेस लिखा है और फिर उसके बाद सही जवाब उन्होंने इरसाल किया। आसिफ एक बार फिर से आपको देखो जीतो की जानिब से और कोहिनूर टीवी की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो जी। और हम इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अभी हम जाएंगे फाइनल नंबर की तरफ। जी हाँ, फाइनल नंबर गेम की जानिब जाएंगे, कुछ और सवालात हैं वो भी आपसे करेंगे। साथ ही साथ जो लोग इस वक्त हमारे साथ मुंसलिक हैं वो लोग अपने मोबाइल फोन अपने हाथ में रखिए, क्योंकि आपका मोबाइल फोन नंबर भी निकल सकता है, ये किसी का भी मोबाइल फोन नंबर होगा इस वक्त जो अब हम गेम खेलने जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से जितने लोग, जितने सारे फैन जो के मोबाइल फोन रखते हैं वो इस गेम में ऑटोमेटिकली शामिल होने जा रहे हैं। जी हाँ, ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएंगे, इस गेम का बाकायदा तौर पर हम आगाज करने जा रहे हैं। शिजा आप आ जाएं मेरे साथ इस तरफ और अब फाइनल नंबर गेम को हम स्टार्ट करने लगे हैं। फाइनल नंबर गेम में जैसे कि मैंने पहले बताया, चार डिजिट मोबाइल फोन के आखिरी चार डिजिट जो कि कंप्यूटराइज तरीके से इस स्क्रीन पर निकाले जाएंगे, आपके सामने शफल होंगे और इस तरह उन चार डिजिट्स को लेकर हम आगे चलेंगे। तो अब हम बाकायदा तौर पर गेम का आगाज करने जा रहे हैं, आपने हमारे साथ मुंसलिक रहना है, गौर से देखना है, ये नंबर आपका भी हो सकता है और इस तरह ये काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। कंप्यूटराइज तरीके से किसी का भी ये नंबर हो सकता है। जी बिल्कुल, और हमारे पास लास्ट नंबर आ चुका है मोबाइल फोन नंबर का, मतलब इन चार डिजिट्स में से पहला नंबर 1। जी 1 आ चुका है हमारे पास, दूसरे नंबर की शफलिंग हो चुकी है 8 1 आ चुका है हमारे पास, थर्ड नंबर आ रहा है हमारे पास 8 1 आ चुका है।
जी हाँ, आखिरी दो नंबर आगे भी आ चुका है 681 जी, थर्ड नंबर भी आ चुका है 681, लास्ट नंबर इस मरहले का आने वाला है 9681 आ चुका है हमारे पास, आ चुके हैं चार नंबर मोबाइल फोन के एक्चुअल चार नंबर जो होते हैं, इसके बाद हम एरिया कोड की जानिब जाएंगे, लेकिन ये चार नंबर जिनके मोबाइल फोन नंबर के एंड पे आते हैं वो लोग हो जाएं खुश, लेकिन इतना खुश भी ना होइएगा अभी दो मरहले, बिल्कुल इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी बहुत से लोग बाकी हैं, बहुत सी अभी जैसे कि कहा जाता है फिल्म अभी बाकी है, तो अभी मराहिल बाकी हैं, दो मरहले हैं और ये जो नंबर है ये काफी सार्फीन के पास हो सकता है, बहुत से लोग होंगे जिनके पास ये नंबर होगा, लेकिन गेम अभी बाकी है, अभी दो मराहिल बाकी हैं, तो ये किसी का भी नंबर हो सकता है, लेकिन 9681 जिनका फोन नंबर है उनको हमारे साथ मुंसलिक रहना चाहिए, आप ये गेम में इस वक्त शामिल हो चुके हैं। आगे आने वाले अगले मरहले में एरिया कोड जो कि आपका भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है, वहां तक आप हमारे साथ जरूर चलें क्योंकि गेम किसी भी वक्त पलट सकती है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चलूं कि इन तीन मराहिल के बाद अगर गेम कंप्लीट हम जब कर रहे होते हैं, गेम कंप्लीट हम करते हैं तो नंबर जो है अगर नहीं मिलता, जी हाँ फोन कॉल की जाती है नंबर नहीं मिलता, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, दो ऑप्शंस होगी जिसमें हम या तो फिर गेम को दोबारा से जीरो से शुरू करें, इसी मरहले से गेम को दोबारा से शुरू किया जाए, या फिर हम कोड जो के है वो दोबारा निकाल सके। तो ये दो मराहिल, दो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होंगी, इसमें से हम एक ऑप्शन को चूज करेंगे ताकि हम चाहेंगे कि फाइनल नंबर में जरूर शमूलियत इख्तियार की जाए। तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट, अगले मरहले की जानिब, तो ऐसे कि आप देख सकते हैं एक से लेकर 48 तक हमारे पास बॉक्सेस मौजूद है, जी हाँ एक से लेकर 48 तक हमारे पास बॉक्सेस मौजूद हैं, इनमें एरिया कोड्स हैं, जी हाँ पहले चार डिजिट आखिरी चार डिजिट मोबाइल फोन के तो आपने देख लिए जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आ चुके हैं, अब उससे पिछले तीन नंबर हमने निकालने हैं, वो तीन नंबर कौन से हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, वो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, बल्कि हमारे नाजरीन जो इस वक्त टीवी स्क्रीन के साथ मौजूद हैं, टीवी देख रहे हैं, वो भी शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, आप भी हमें इनमें से कोई नंबर बता सकते हैं जिसमें से हम वो एरिया कोड निकालेंगे, जैसे कि 12 नंबर, कोई भी, जैसे कि आपने अपनी मर्जी है कोई भी एक नंबर आपने हमें इरसाल करना है, आप इस वक्त हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो लोग फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं वो भी बता सकते हैं, तो आपने हमें नंबर इरसाल करना। जी बिल्कुल, और इतनी ज्यादा नंबर्स हैं उमेर इसमें से जी, और हमारे पास बहुत ज्यादा डिमांड आई है कि 37 नंबर खोला चाहिए, लेकिन 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 उमेर दूसरी ही तरफ और भी हमें लोग कह रहे हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी इस वाले से ज्यादा है, वो लोग कह रहे हैं 47 खोले, 47 कुछ लोगों ने कहा 37, लेकिन ज्यादा लोग कह रहे हैं 47 खोले, तो मेरा ख्याल है ऑडियंस के साथ ही जाना चाहिए। जी आज हम ऑडियंस के साथ जाएंगे, ज्यादा लोगों ने 47 को प्रेफर किया है, तो देखते हैं 47 में कौन सा नंबर होगा, क्या एरिया कोड होगा, तो शिजा खोले 47 नंबर और इसमें से हम देखते हैं कि ये एरिया कोड किसका होगा, एरिया कोड क्या होगा, एरिया कोड हमारे पास आ चुका है और जैसा कि आपने पहले देखा 9681 हमारे पास नंबर, पहले लास्ट डिजिट हमारे पास मौजूद थे और वो नंबर हमारे पास अभी भी मौजूद है, 9681 हमारे पास मौजूद है और अब एरिया कोड भी हमारे पास आ चुका है, और आप लोगों को ज्यादा वेट नहीं कराना चाहते हम, तो एरिया कोड भी आप लोगों को दिखा देते हैं, 412 जी, 412 जी हाँ, 412 9681 ये है वो नंबर, अभी ये पूरा कंप्लीट नंबर नहीं है, अभी कोड अभी बाकी है, तो जिस तरह की आप देख सकते हैं 412 9681 नंबर, दो मराहिल थे जिसमें से ये नंबर कंप्लीट हो चुका है, दो मराहिल हैं जिसमें से ये नंबर कंप्लीट हो चुका है फोर, और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर भी देख सकते हैं 412 9681 और सिर्फ और सिर्फ, लेकिन उमेर जिस तरह डेली हम लोग बताते हैं कि जी कोड की अभी बारी बाकी है, तो इतने करोड़ों लोगों में से ये नंबर सिलेक्ट हुआ है, अब 42 लोगों तक ये बात रह चुकी है, क्योंकि हमारे पास मोबाइल फोन कोड जो है वो 42 होते हैं, जैज वारे यूफोन ये जितने भी सारिफ हैं 42 कोड्स होते हैं, तो उसकी तरफ हम जाएंगे, स्विंग की जानिब हम जाएंगे, ये नंबर हम स्विंग की जानिब लेके जाते हैं और जैसे ही स्विंग होगा उसके बाद हम लोग अपना ये नंबर स्विंग वाला जो भी हमारे पास नंबर आएगा
कोड उसके साथ हम लोग इसको अटैच कर देंगे। और बिल्कुल उस नंबर को उस कोड को इसके साथ अटैच किया जाएगा और इस तरह नंबर हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही नंबर कंप्लीट होगा हमारी टीम की जानिब से उनको कॉल की जाएगी, उनसे बात की जाएगी और उनको आज शिजाब गिफ्ट कौन सा दे रही है, इतने आपके पास स्पॉन्सर्स मौजूद हैं तो किन स्पॉन्सर्स की जानिब से आप उनको आज गिफ्ट देंगे। उमेर मेरा तो ख्याल है 6B फूड इंडस्ट्रीज की जानिब से ही दे देना चाहिए इनको भी गिफ्ट वाउचर, बहुत ही अच्छा गिफ्ट वाउचर है जो भी जीतेगा ये। मेरे ख्याल से हम 6B की जानिब से तो ऑलरेडी एक गिफ्ट दे चुके हैं तो अब हम रॉयल फैन की जानिब से फैन क्यों ना दे। हाँ बिल्कुल, गर्मी भी बहुत है, देखें मौसम तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो पंखा दे दिया जाएगा रॉयल फैन की तरफ से। बहुत मजे मजे के हमारे पास गिफ्ट्स आए हुए हैं, हम लोग आपको देने के लिए बेताब हैं, बस आप लोगों ने शिरकत करनी हमारे शो में। और इसके बाद हम स्विंग की जानिब भी जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, आपके साथ अभी हम मुंसलिक हैं, नंबर आपके पास मौजूद है और मरले अभी सिर्फ और सिर्फ एक मरहला बाकी है, रॉयल फैन का ये गिफ्ट होगा आपके पास, रॉयल फैन आपको मिलेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और स्विंग की जानिब चलते हैं और तो अब हम उनको ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाएंगे, हम कोशिश ये करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस गेम को कंप्लीट किया जाए, फिर और सेगमेंट्स हैं उनकी जानिब भी चलेंगे तो अपने नाज़रीन को ज्यादा से ज्यादा गिफ्ट दे सके। और इसी तरह हम कोशिश करेंगे अब स्विंग करें और अब इस नंबर को कंप्लीट किया जाए और इस नंबर को जैसे ही कंप्लीट किया जाएगा फिर आपको कॉल की जाएगी। तो शिजा हमारे साथ मौजूद है, शिजा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काफी जोर से इसको घुमाएं ताकि फिर पता लगे कि ये अब किसका नंबर निकलता है। जी ओके, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ, 1, 2, 3। इतना ही जोर था आपके पास। तो नाज़रीन जैसा कि आपके पास स्विंग हो रहा है और इस वक्त हमारे पास नंबर आ चुका है, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं नंबर हमारे सामने आ चुका है 0320419681। ये है वो नंबर 0320419681, ये है नंबर आज का। जी हाँ, फाइनल नंबर का आज कंप्लीट नंबर हमारे पास इस वक्त आ चुका है 0320419681 नंबर, फाइनल नंबर। गेम तीन मराहल में से ये गेम गुजरा है, तीन मराहल में से ये नंबर कंप्लीट हुआ है और ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। किसका ये नंबर होगा, कौन वो लकी आदमी है या खातून है, भी कुछ ही देर में उनसे रابطہ करने की कोशिश की जाएगी। तो इन्होंने अभी जैसे कि हमें पहले बात की, इन्हें मिलेगा रॉयल फैन की जानिब से खूबसूरत सा फैन, तो अभी हम इन्हें रابطہ करने की कोशिश करेंगे। नंबर जैसे कि आज हमारे नाज़रीन जिन्होंने आज ही हमें ज्वाइन किया जो देख रहे हैं उनको भी आज क्लियर हो चुका होगा ये नंबर जो हमने निकाला है कंप्यूटराइज तरीके से, ये पावर ऑफ है जी। लेकिन इस सिलसिले में हम क्या करेंगे उमेर, हम क्या दोबारा से पूरा गेम खेलेंगे या फिर हम सिर्फ कोड चेंज करेंगे, क्योंकि बेचारे 7 नंबरों का क्या कसूर है। जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि शिजा ने कहा 7 नंबरों का क्या कसूर है, लेकिन हमारे पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, ये हमारा स्वाबीदी इख्तियार है कि अब हम शुरू से गेम स्टार्ट कर दें और इन आखिरी नंबर्स को भी खत्म करके दोबारा से कंप्यूटराइज तरीके से। नहीं 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 उमेर, ये तो बस ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों में से हमने 7 नंबर निकाले, इतने ज्यादा लोगों के इतने नंबर होंगे, 7 नंबर्स के साथ नहीं ज्यादती होनी चाहिए। मेरा ख्याल है 42 लोगों तक ही मामला रहने देना चाहिए, एक को नहीं मिला तो 41 तो है ना अभी। चले जी ऐसे कर लेते हैं, शिजा के कहने के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ कोड की जानिब ही बढ़ते हैं और कोड दोबारा से ट्राई कर लेते हैं, लेकिन मैं तो आज चाह रहा था दोबारा से पूरा नंबर हो, लेकिन शिजा के कहने पर हम एक बार फिर से कोड को ट्राई करेंगे और देखते हैं कोड किसका। 0320 जो कि पहले निकला लेकिन वो नंबर बंद है, लेकिन अब हमारी कोशिश है कि कोई ना कोई ये नाम जरूर जीते, रॉयल फैन की जानिब से उन्हें जरूर फैन जरूर मिले। जी बिल्कुल, और हम लोग अब ये गेम खेलने जा रहे हैं और दोबारा से ये हमारे शो में तीसरी बार हुआ है कि एक बार पहले भी हमारा पार ऑफ गिरा है नंबर और अब जो है हम सेकंड टाइम पे। जी हाँ बिल्कुल, अब इस दफा फिर करने जा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि इस दफा नंबर ऑन हो। ओके जी, 1, 2, 3। नाज़रीन जैसे कि आपके सामने किसी का भी नंबर हो सकता है जिनका कंप्लीट नंबर है इस वक्त, उनके दिल की तो हार्ट बीट काफी ज्यादा होगी। ओके, तो 0307। जी हाँ 0307 हमारे पास मौजूद है, 0307-412-9681। दोबारा हमने इसको शफल किया और इस वक्त हमारे पास नंबर कंप्लीट हो चुका है 0307-412-9681।
वन, ये है वो नंबर, इनको कॉल करने की कोशिश की जा रही है हमारी टीम की जानिब से और उम्मीद करते हैं कि ये नंबर जरूर ऑन हो ताकि हम इनसे रابطہ कर सके, इनसे बात कर सके और इन्हें बता सके कि उन्होंने आज क्या जीता है। एक बात पूछिए, क्योंकि हमारी कोशिश है आप ज्यादा से ज्यादा इनाम जीते और आप इस गेम में शामिल हो सके। इससे पहले एक नंबर जो कि निकाला गया वो बंद निकला, आपके सामने स्विंग का मरहला हुआ और उसको कॉल की गई, लेकिन वो मरहला, उस मरहले में उनका नंबर बंद था। लेकिन जैसे कि देखो और जीतो की और कोहिनूर टीवी की ये कोशिश है कि आपको इस गेम में शामिल किया जाए, आप ज्यादा से ज्यादा इस गेम में शामिल रहे और आप जीत सके इनामात। तो इसीलिए हमने दोबारा ये नंबर निकाला है ताकि जी आप हम लोग हमारी टीम ये नंबर ट्राई करी है, लेकिन ये अब भी फिलहाल मसरूफ जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए और इसका वेट करना चाहिए कॉलर का, बिल्कुल, क्योंकि मसरूफ है, बंद तो नहीं है ना, वैलिड है बिल्कुल। तो हम इसी कॉलर के साथ ही जाएंगे, ये ही जो हमारा विनर है, रॉयल फैन की जानिब से इनको दिया जाएगा एक फैन एज अ गिफ्ट। और जो है फिर इसके बाद उमर हम क्या करेंगे ये कॉलर को गिफ्ट देने के बाद? हमारे कॉलर से हम बात करेंगे और इनको, और साथ ही साथ इन पे भी लाजिम होगा कि इन्होंने कोहिनूर टीवी के साथ हमें एक सेल्फी जरूर सेंड करनी है। जी हाँ, फाइनल नंबर जिनका निकलता है आज का हमारा फाइनल नंबर ये है 0307, जिनको अभी हम कॉल भी कर रहे हैं लेकिन वो कहीं खुशगपियों में मसरूफ है तो हम इस तरह दोबारा कोशिश करेंगे उनको दोबारा कॉल की जाए। 0307412968 ये है वो नंबर, उन्हें दोबारा कॉल की जाएगी, उनसे हम बात करेंगे और उनको उनका गिफ्ट बताएंगे और उनका गिफ्ट भी उनके घर ही इरसाल किया जाएगा। तो हम साथ ही साथ उनको ये भी बताते चलेंगे कि वो आज ही यहाँ पर सिर्फ गेम से आउट नहीं हो जाएंगे, क्योंकि अभी इस महीने के आखिर में एक लकी ड्रॉ भी होगा, उसमें भी वो शामिल हो चुके हैं और ये नंबर आज ही फाइनल हुआ है, फाइनल नंबर है ये, आज के लिए ही सिर्फ फाइनल नहीं है, ये आगे भी चलेगा और आगे भी ये नंबर निकलने के चांसेस हैं, वो भी लक डिपेंडेंट गेम है, उस दिन भी आपका नंबर निकल सकता है। तो कॉल की जा रही है लेकिन अभी भी उनका नंबर बिजी है, वो कहीं काफी लंबी कॉल पर हैं, खुशगपियों में मसरूफ हैं, तो अभी तक वो हमारी कॉल पिक नहीं कर। बिल्कुल ऐसे ही है, कभी भी आपकी किस्मत बदल सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हमने क्या करना है। लेकिन जब तक नंबर बिजी है तो मैं क्यों ना, मुझे लगता है कि सवालात का सिलसिला दोबारा शुरू कर देना चाहिए। जी हाँ, नंबर मिल चुका है, सवालात का सिलसिला भी जारी करते हैं, जैसे कि हमारी टीम ने बताया कि नंबर मिल चुका है और उनसे बात की जाएगी, उन्हें बताया जाएगा, तो फिर इसके बाद सवालात और जवाबात का भी सिलसिला शुरू करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे बात करने की कोशिश, लेकिन फनी खराबी की बायस, तकनीकी खराबी के बायस उनसे रब्ता मुनक़ता हो चुका है। और शिला हम आगे बढ़ते हैं ताकि वक्त जाया किए बगैर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब दे सकते जी, हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं तब तो सवाल जवाब का सिलसिला इस वक्त दोबारा शुरू करेंगे जी। तो ओके जी, हम एंड पे दोबारा जी 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 नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। करार दादे पाकिस्तान किस जुबान में पेश की गई? जी, तो हमारा आज का दूसरा सवाल है, करार दादे पाकिस्तान किस जुबान में पेश की गई? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी फारसी या फिर ऑप्शन डी अंग्रेजी। जी हाँ, करार दादे पाकिस्तान किस जुबान में पेश की गई, सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, चार ऑप्शंस भी आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, नंबर 0313436888 इस पर आपने सही जवाब इरसाल करना है। 6B फूड इंडस्ट्रीज की जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, सही जवाब देने वाले को 30 सेकंड का वक्त होगा, आपने करना यह है कि 30 सेकंड में हमें सही जवाब इरसाल करना है। लेकिन 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 पैटर्न मत भूलिएगा, मैं एक बार फिर से बताते चलूं, क्योंकि मेरी टीम ने पैटर्न को फॉलो करते हुए स्क्रूटनी करनी है और जिनका पैटर्न सही हुआ, जवाब सही हुआ, वो ही वो टैली करके मुझे बताएंगे। अगर आपका सही जवाब भी हुआ लेकिन आपने पैटर्न फॉलो नहीं किया तो मेरी टीम की जानिब से जी, और आपका काउंटडाउन भी स्टार्ट हो चुका है, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, इस क्वेश्चन का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, आपके पास बहुत कम टाइम है, आप लोगों ने जल्दी जल्दी हमें आंसर देना है और सही पैटर्न के साथ, जिस तरह मैं बार बार बता रहे हैं, अपना नाम और एड्रेस लाजमी दें, क्योंकि जब हमें नहीं पता कि आपका नाम और एड्रेस क्या है, हम कैसे भेजेंगे आपको आपका गिफ्ट हैम्पर। और हमारे पास टाइम भी बहुत कम रह गया, 3 2 1 टाइम अप। ओके, और हमारी टीम भी सर्च आउट कर रही है कि किसने सबसे कम टाइम में और सबसे सही जवाब।
जी, और हमें काशिफ अली लाहौर से जो हैं, जिनका ताल्लुक है, उन्होंने सही जवाब दिया है सबसे कम वक्त में, और इसका सही जवाब था अंग्रेजी। जी काशिफ अली लाहौर से जिनका ताल्लुक है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। देखो जीतो, आप देखते रहिए और इसी तरह जीतते रहिए। आपको एक बार फिर से कोहेनूर टीवी की जानिब से और देखो और जीतो की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। सिक्स बी फूड इंडस्ट्रीज की जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर आपके एड्रेस पर इरसाल कर दिया जाएगा। इन्होंने सही पैटर्न फॉलो किया, इन्होंने सही नाम हमें अपना लिख के भेजा, सही एड्रेस भेजा और साथ ही साथ सही जवाब भी इरसाल किया है। तो इसी तरह आप भी जो इस वक्त नाज़रीन टीवी देख रहे हैं, इसी पैटर्न को फॉलो कीजिए ताकि हमारे लिए भी आसानी हो सके, कम से कम वक्त में आपका नाम हमारे पास हो और साथ ही साथ आपका एड्रेस भी हमारे पास आ चुका होगा और इसी तरह हम आपसे रابطہ करके आपका गिफ्ट आपके घर इरसाल कर पाएंगे। तो ये दो सवालात आज के हो चुके हैं जिनके सही जवाबात हमारे पास मौजूद थे और इन्होंने हमें जब प्रोग्राम में हिस्सा लिया तो इनके जो गिफ्ट्स हैं और इनके गिफ्ट्स इनके घर इरसाल कर दिए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल शामिल करेंगे, आज का तीसरा सवाल। सवालात और जवाबात के सेगमेंट में मैं आज का तीसरा सवाल शामिल करने जा रहा हूं। जी हाँ, तो तीसरा सवाल कुछ ही देर में आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद होगा, अटेंटिव रहिए। यहां पर मैं आपको एक टिप देता चलूं, आप अपना नाम और अपना एड्रेस अपने मोबाइल फोन नंबर पर पहले से लिख कर रख लें। जी हाँ, अपना मोबाइल और अपना एड्रेस पहले से लिख कर रख लें। जैसे ही मैं सवाल करूं और आपको ऑप्शन दूं, आपने सिर्फ और सिर्फ सही जवाब हमें इरसाल कर देना है। ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूं ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी हमें सवाल का जवाब सेंड कर सके। तो सवाल है आज का तीसरा ये, खैरपुर सिंध के बागात किस वजह से मशहूर हैं? जी हां, खैरपुर सिंध के बागात किस वजह से मशहूर है? चार ऑप्शंस, कौन सी वजूहात है ये आपने हमें सही वजूहात बतानी है। पहली ऑप्शन अनार, दूसरी ऑप्शन आम, तीसरी ऑप्शन खजूर या फिर अनानास। जी हां, चार ऑप्शंस हैं इस सवाल की, आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आपने करना यह है कि सही जवाब जल्दी से जल्दी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें इरसाल करना। जी बिल्कुल ऐसे ही है और आपका टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों ने जल्दी से जल्दी हमें आंसर देना है और हमारा जो तीसरा आज का सवाल है मैंने आप लोगों से किया, आप लोगों की टीवी स्क्रीन्स पर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन्स पर है। आपने हमें जल्दी से जल्दी करेक्ट आंसर देना और आपका टाइम भी जाता जा रहा है। पैटर्न को फॉलो जरूर करना है, भूलना नहीं है, एड्रेस और नाम भेजना। 3 2 1 टाइम अप। ओके, हमारा टाइम भी खत्म हो चुका है और इस क्वेश्चन का आंसर जिसने सबसे कम टाइम में दिया है वो भी हमारी जो है टीम बता रही है और इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है खजूर। जी हाँ बिल्कुल, खजूर इसका सही जवाब है और ये दिया है नुमान साहब ने, जिनका ताल्लुक कहां से इनका ताल्लुक है। जी हाँ, विहाड़ी से इनका ताल्लुक है नुमान साहब का और इन्होंने इसका सही जवाब दिया जो कि खजूर है। खैरपुर सिंध के बागात खजूर की वजह से मशहूर है। नुमान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। देखो जीतो की जानिब से कोहेनूर टीवी देखते रहिए, इसी तरह पार्टिसिपेट करते रहिए। तो आज का अगला सवाल जो मैं करने जा रहा हूं आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद होगा, आज का अगला सवाल वो अभी मैं शामिल करूंगा, खैरपुर सिंध के बागात किस वजह से। इस सवाल का तो जवाब आ चुका है और आज का अगला सवाल है वो कौन सा जानदार है जिससे शेर भी डरता है। जी हाँ, वो कौन सा जानदार है जिससे शेर भी डरता है, शेर जिसको जंगल का बादशाह कहा जाता है, आखिरकार वो भी किसी से डरता है। तो ये आपने हमें बताना है वो कौन सा जानदार है। लासानी फार्मा की तरफ से ये जो सवाल है ये स्पॉन्सर्ड है, लासानी फार्मा इसके स्पॉन्सर है। जो ये सवाल का सही जवाब देगा उसको मिलेगा लासानी फार्मा की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। और इसकी चार ऑप्शंस मैं आपको देता चलूं, सबसे पहली ऑप्शन है हाथी, दूसरी ऑप्शन है गेंडा, तीसरी ऑप्शन है सांप, जबकि आखिरी ऑप्शन है खारपुश। जी हां, खारपुश। चार ऑप्शंस आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं, इनमें से एक सही जवाब है जो कि आपने हमें सेंड करना है, वो कौन सा जानदार है जिससे शेर भी डरता है। मैं तो पहले समझा था शायद शेरनी से डरता होगा लेकिन नहीं, ऑप्शंस कुछ और हैं। तो वो कौन सा जानदार है जिससे शेर भी डरता है, चार ऑप्शंस आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। इन चार ऑप्शंस में आपने हमें जवाब देना है और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है
888। जल्दी कीजिए, 30 सेकंड का वक्त आपका स्टार्ट हो चुका है। जल्दी जल्दी कीजिए, सही पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें जवाब इरसाल कीजिए। और जैसा कि शीजा ने पहले बताया, लासानी फार्मा की जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। और काउंटडाउन भी इस वक्त स्टार्ट है और वक्त जा रहा है और वक्त बहुत कम है। जल्दी जल्दी सही जवाब हमें इरसाल कीजिए और पाइए लासानी फार्मा की जानिब से खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर। तो वक्त इस वक्त खत्म होने जा रहा है, 3, 2, 1 और वक्त खत्म हो चुका है। जी हाँ, इस वक्त खत्म हो चुका है, टाइम्स अप। और जिन्होंने हमें सही जवाब दिया है, स्क्रूटनी का अमल जारी है, मेरी टीम इस वक्त देख रही है जिन्होंने सही पैटर्न को फॉलो करते हुए सही जवाब इरसाल किया है। जवाब है क्या, मुझे आज ये बता दें। जी हाँ, इसका सही जवाब है जी, वो कौन सा जानदार है जिससे शेर भी डरता है, तो वो है जी खारपुश, जिसको हेजहॉग भी कहा जा सकता है। मुर्तजा है इस्लामाबाद से, जिन्होंने इसका सही जवाब हमें इरसाल किया। लासानी फार्मा की जानिब से आप जीत चुके हैं एक गिफ्ट हैम्पर। मुर्तजा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके बाद हम फाइनल नंबर के विनर का भी पता करें कि कौन है भाई वो। जी हाँ, फाइनल नंबर के विनर को भी मैं अपनी टीम से कहूंगा एक बार फिर कोशिश की जाए, उनको कॉल की जाए और रब्ता करने की कोशिश की जा रही है, तो हम कोशिश करेंगे। जी जी, एक खातून है वो जो इस नंबर की ओनर है, लेकिन उनको यकीन ही नहीं आ रहा कि उनका नंबर निकल आया है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही मेरा ऐसे होता है, दिस इज नेचुरल, कि अगर आप विदाउट पार्टिसिपेटिंग किसी शो में जीत जाते हो एवी, बिल्कुल ये तो इतना मजे का शो है, इतनी मजे की गेम है। तो हाँ, इंसान हैरान हो जाता है कि यार ये कैसे, कोई फ्रॉड तो नहीं है या हाँ, कोई एमी मुझे, और वो यकीन भी नहीं कर रही, उनको लग रहा है कि कोई प्रैंक कॉल है या इस तरह। तो हमारी टीम उनको समझाने की कोशिश कर रही है, हमारी टीम उन्हें बताने की कोशिश कर रही है कि अपना टीवी तो देखें कि उनका वाकई नाम निकल आया है। जी हाँ बिल्कुल, इन खातून को यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है कि आप इस वक्त लाइव शो में से आपका नंबर निकला है, इस वक्त लाइव शो में आपका नंबर भी मौजूद है, तो यहाँ पर हम इनसे कोशिश करेंगे इनको इनाम इनका इरसाल जी, इनको हम लोग इनाम भेज देंगे बिल्कुल, क्योंकि कॉल पे अभी वो मसरूफ हैं और वो कॉल पे आना भी नहीं चाह रही, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं आ रहा, जब उनको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा तो जब वो अपनी सेल्फी भेजेंगी गिफ्ट हैम्पर कोहिनूर न्यूज के साथ, तो फिर आप लोगों को हम दिखाएंगे कि वाकई उनको गिफ्ट हैम्पर दिया गया है और वो हमारी लकी विनर है आज की। जी जी हाँ, तो इसी तरह आज गेम्स के बारे में आपको बताया, डिफरेंट सेगमेंट्स के बारे में बताया और साथ ही साथ हमने फाइनल नंबर भी अपना कंप्लीट किया और सवालात और जवाब का सिलसिला भी जारी रहा। इसी तरह आने वाले वक्त में और भी बहुत से सेगमेंट्स जिनका हमने एक बार शुरू में जिक्र किया था, वो सेगमेंट्स भी शामिल होंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ करना ये है, आपने हमारे साथ रहना है, कोहिनूर टीवी को देखते रहना है और गेम में पार्टिसिपेट करना है। और जो आपका गेम और जो आज जीते हैं, जो लोग भी आज जीते हैं, क्वेश्चन आंसर्स का जो सिलसिला जिन्होंने जीता, जो फाइनल नंबर जीती, तो उन सब के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी एक सेल्फी कोहिनूर टीवी के साथ, कोहिनूर टीवी की स्क्रीन के साथ लेकर हमें भेज दें, ताकि हम लोग भी चलाएं अपने शो में और दिखाएं लोगों को कि वाकई ही ऐसा होता है, ये सब कुछ सच है, आप लोग जो देख रहे हैं वो वाकई सच है। जैसी भी छोटा बड़ा बूढ़ा हर उम्र के लोग हमारे शो के साथ अटैच रह सकते हैं, जीत सकते हैं, किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो स्कॉलरशिप जीत सकता है बिल्कुल। और हमारे पास हमारे जितने भी क्वेश्चन आंसर के भी विनर हैं, उनको भी मैं यही कहती हूँ कि वो बिल्कुल हमें अपनी सेल्फी भी भेजें और हम उनकी सेल्फीज भी चलाएंगे। और फिर से दोबारा भी फॉर्मेट बता दूं कि आपने जब भी आप कुछ जीतो तो आपने सवालों जवाब का जो सिलसिला है उसमें आपने पैटर्न को हमेशा फॉलो करना है, विद इन 30 सेकेंड्स आपको देना है हमें सही जवाब। जी हाँ बिल्कुल, आपने हमारे साथ मुंसलिक रहना है, सवालात के सही जवाब देने हैं और भी सेगमेंट्स होंगे उसमें आपने शामिल होना है और साथ ही साथ आप हमारे साथ खेल सकेंगे। सेल्फी सेगमेंट होगा, डॉक्यूमेंट्री, स्टूडेंट पैकेज, स्मार्ट कमेटी, नादार और जरूरत लोगों के लिए भी एक पैकेज होगा, साथ ही साथ सोशल मैसेज भी आप हमें इस साल कर सकेंगे। तो इसी तरह सोशली तौर पर आप कोई भी हमें मैसेज देना चाहें वो भी यहां पर मौजूद होगा, आपके पास वक्त होगा। 30 सेकंड की स्क्रीन हम आपको देंगे, कोहिनूर टीवी की स्क्रीन आपकी होगी और आपका मैसेज चलेगा जो कि पूरा पाकिस्तान देखेगा सिर्फ और सिर्फ, और आपने देखो जीतों के साथ मुंसलिक रहना है और ये गेम शो मुनफरिद है और आपका गेम शो है, आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि अब वो जरूरत नहीं कि आप सेट पर आए और कोई मुशक्कत करें और आप कोई ना कोई आके आपको यहाँ पर
उल्टे सीधे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ आप घर बैठकर हमारे साथ मुंसलिक रह सकते हैं, गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जीत सकते हैं बेशकीम की इनामत, बेशतर इनामत। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास स्पॉन्सर्स की एक लिस्ट है, स्पॉन्सर्स का नाम ना लिया जाए तो ये भी ये गलत होगा। सिक्स बी फूड इंडस्ट्रीज की जानिब से आज हमने गिफ्ट हैंपर्स दिए, लासानी की जानिब से ड्यू ब्यूटी क्रीम भी है, गोल्डन पर रॉयल फैन की तरफ से भी हमने दिया, आज गिफ्ट हैंपर्स जानिब से भी हमने फैन दिया। तो इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा, आप हमारे साथ रहिएगा और मुंसलिक रहिएगा। ये गेम शो आपका गेम शो है, आपने देखते रहना है कोहिनूर टीवी को, साथ ही साथ देखो और जीतो को अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और टीवी के साथ साथ मुंसलिक रहते रहते देखो जीतो को जरूर देखो। जी बिल्कुल, और देखो और जीतो क्योंकि आपका अपना शो है, इसको अपने अपना समझ के देखना, हमारे साथ अटैच रहना है डेली शाम 5 से 6 बजे तक आपने देखना है हमारा शो जो है देखो और जीतो। मैं शिजा खान और उमेर लेते हैं आज के लिए आपसे इजाजत, कल फिर मिलेंगे एक नए शो के साथ, नए क्वेश्चन आंसर्स के साथ और नए विनर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।